हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। सो इस वीडियो में यार मैं दिखाने वाला हूँ कि मेडिजी का जो रैंक प्रिडिक्टर है वो कितना रैंक दिखा रहा है, और जो है एक्सर्जी का रैंक प्रिडिक्टर है वो सेम मार्क्स पे कितना रैंक दिखा रहा है। तो मैंने मेडिजी पे बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, एटलीस्ट 3 to 4 वीडियो रैंक प्रिडिक्टर पे कि कितना रैंक प्रिडिक्ट कर रहा है, या कुछ बच्चे जो हैं जितना पाए उससे ज़्यादा मार्क्स दिखा रहे हैं स्पैम करके, जो क्वेश्चन आंसर है सीट है मेडिजी का उसमें एडिट करके। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ये था मेरा अभी मेरा जो करंट रैंक है वो है 1236। 9000 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 9000 स्टूडेंट देख चुके हैं, और इसमें जो प्रोबेबल रैंक दिखा रहा है, जो मेरा ऑल इंडिया रैंक होने वाला है 2200 से 2500 के रेंज में, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्पैम कर रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रैंक दिखा रहा है, बट ये सही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है स्पैम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपको अगेन वो डाटा रिपीट कर देता हूँ स्मॉल टाइम में, सो आप ये देख सकते हो ये सारा, बट 99 to 100 पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारे मार्क्स जो हैं कि पॉसिबल नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट पा रहे, इट मीन्स कि ये स्पैम ही है, ठीक है। तो मैंने ये सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो प्रीवियस वीडियो को देखो, आपको ये वीडियो बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इस बार एक सर्जिक बेटर प्रिडिक्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मेडिजी और एक सर्जिक पे कंपेयर कर देते हैं रैंक प्रिडिक्टर। तो आपने मेडिजी का तो देख चुके, बट मैं एक सर्जिक का बात करने वाला हूँ अभी। सो ये रहा, मैंने एक सर्जिक पे ऑलरेडी जो है कि अपना जो मास्टर आंसर किए उसमें डाल के और सब कुछ करने के बाद, तो ये जो मेन स्क्रीन है रैंक एनालिसिस का वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि का जो रैंक प्रिडिक्टर है उसमें मेरा जो ऑल इंडिया रैंक दिखा रहा है 2079 से 2541 तक दिखा रहा है, ठीक है। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कितने स्टूडेंट किस मार्क्स के रेंज में लाइक कर रहे हैं वो है। तो मैं आपको ले चलता हूँ नीचे, और आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि मेरा मार्क्स जो है 51.68 है, सेम जैसे मेडिजी में था, ठीक है। सो हम नीचे चलते हैं, और ये तो आंसर शीट है, कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की उसको नहीं देखते हैं। अब हम चलते हैं रैंक एनालिसिस पे एक सर्जिक के, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो चार्ट में दिख रहा है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो जो है कि 25 से 30 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे कम बच्चे जो हैं 80 से 85 के बीच में लाइक कर रहे हैं। तो ये कह सकते हो आप कि यहाँ पे जो स्पैमर्स हैं वो स्पैम नहीं किए हैं, क्योंकि अगर स्पैम यहाँ पे भी कर पाते तो यहाँ पे भी 95 से 100 दिखाना था, क्योंकि जो मेडिजी का रैंक प्रिडिक्टर है मैंने पहले शो किया है उसमें तो 10 स्टूडेंट दिखा रहे हैं 99 से 100 के बीच में, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 80 से 85 के बीच में एटलीस्ट 1 to 2 स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इक्साजी का जो रैंक प्रिडिक्टर है दिस ईयर बेटर प्रिडिक्ट कर रहा है एज टू मेडिजी, क्योंकि यहाँ पे स्पैम नहीं कर पाए जो स्पैमर्स हैं, ठीक है। इससे हम वन थिंग और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर अगर 80 से 85 के टर या बीच में रहता है, तो जो जो स्कोर निकल के आने वाला है जितने भी जितना मार्क्स पाए हैं और उसके बेस पे जो उसका स्कोर आ रहा है उससे 100 स्कोर और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर एवरेज 80 से 85 में रहा है और ये स्कोर तो प्रीवियसली कभी नहीं रहा है, तो इस बार जो है बच्चों का स्कोर और बढ़ने वाला है। तो जिन बच्चों ने बोला था कि सर एक सरजी का रैंक प्रेडिक्टर देख लो, तो डेफिनेटली उन्होंने ऑलरेडी चेक किया था और उन्हें जेन्युइन लगा हुआ तभी उन्होंने रिकमेंड किया। तो थैंक यू सो मच, और ये सच में बेटर है दिस ईयर मेडिजी रैंक से।
और बट जो ओवरऑल रैंक दिखा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो 2500 के रेंज में मेरा आ रहा है। ये भी सेम प्रिडिक्ट कर रहा है एज मेडीजी प्रिडिक्ट कर रहा था 2200 से 2500, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस स्पैमर्स ने जो है कि मैक्सिमम मार्क्स अपने 100 दिखा दिए हैं, तो उसकी वजह से जो यहाँ करेंट रैंक मेरा शो हो रहा है 1236, ये और कम होना चाहिए था लेकिन उनकी वजह से ज़्यादा दिख रहा है। बट ये ओवरऑल फाइनल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। सो ये था, और कंपैरिजन जो है यही है कि दोनों जो है रैंक प्रिडिक्टर ओवरऑल जो रैंक का रेंज है वो तो सेम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट एक सर्जिक में एक बेनिफिट है कि यहाँ पे जो है कि स्पैमर्स अपना काम नहीं कर पाए, वो फेल कर गए क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है चार्ट में, ठीक है। सो आई होप भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक सर्जिक डेफिनेटली बेटर है एट दिस टाइम, क्योंकि स्पैमर्स नहीं स्पैम कर पाए। सो कुछ स्टूडेंट जो MADG में चेक किए हैं वो भी जाके एक सर्जिक में चेक करें, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करें, और जो रैंक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है वो और बेटर तरीके से हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच।